बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सलमान ने वादा किया था कि वो इस ईद यानी कि 13 मई को अपनी फिल्म थिएटर में रिलीज करेंगे, लेकिन कोरोना की वजह से उनकी फिल्म सिनेमाघरों में ज्यादा दर्शक नहीं देख पाएंगे। सलमान खान ने अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। ईद के त्योहार राधे सिनेमाघरों के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म और तमाम DTH प्लेटफॉर्म पर भी एक साथ रिलीज की जाएगी। राधे फिल्म के OTT राइट Z5 के पास है, जिसका मतलब है कि एक तरफ इन थिएटर्स में 13 मई को रिलीज होगी, वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म G-Plex पर भी इसे दर्शक देख सकेंगे। इसके मुताबिक राधे और मोस्ट वांटेड भाई दुनिया भर में एक साथ कई प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनने जा रही है। लेकिन सलमान खान स्टारर राधे सिनेमाघरों के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म पर एक अलग अंदाज में आएगी। बताया जा रहा है कि राधे को पे पर व्यू मॉडल के तौर पर G-Plex और तमाम DTH चैनलों पर एक साथ स्ट्रीम किया जाएगा, जहां फिल्म देखने के लिए हर दर्शक को निश्चित रकम चुकानी होगी और उसके बाद ही इस फिल्म को स्ट्रीम किया जा सकेगा। इस ऐलान के बाद अब प्रभु देवा द्वारा निर्देशित फिल्म 13 मई 2021 को रिलीज होगी। इस मच अवेटेड फिल्म का ट्रेलर कल 22 अप्रैल को रिलीज होगा। बता दें, सलमान ने इस साल की शुरुआत में फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज करने का ऐलान किया था। बता दें कि राधे या मोस्ट वांटेड भाई में सलमान के साथ दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म को सलमान खान फिल्म्स ने जी स्टूडियो के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। सलमान खान, सोहेल खान और रील लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म इस साल ईद के मौके पर 13 मई को रिलीज होने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि राधे जैसी मेगा बजट फिल्म के सिनेमाघरों और OTT रिलीज के फैसले के बाद ऐसा माना जा रहा है कि कई और स्टार्स की फिल्म OTT पर रिलीज हो सकती है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का है। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की सूर्यवंशी को इसी साल 13 अप्रैल को रिलीज करने का ऐलान किया गया, लेकिन कुछ दिन पहले इसकी रिलीज को फिर से टाल दिया गया। चर्चा है कि निर्देशक रोहित शेट्टी सूर्यवंशी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर सकते हैं। इसके अलावा रणवीर सिंह की 83, सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की बंटी और बबली 2 और कंगना रनौत की थलाइवी भी डिजिटल रिलीज का रुख कर सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।